लेकिन महेश चव्हाण जी, अब यहाँ पर तो मंडल और कमंडल दोनों साथ लेकर चलने की बात हो रही है ना। कल इसी तरह के संकेत दे रहे थे, शुरुआत महाभारत, शिव की बारात, फिर उसके बाद जाति जनगणना तक आना। पूजा जी, बहुत सारे मुद्दे मैं सभी को सुन रहा था, इतने सारे मुद्दे मुझे पता नहीं उतना समय मुझे आप दे पाएगी या नहीं, लेकिन कुछ मुद्दों को मैं स्पर्श करना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये है कि जिस राजनीतिक पार्टी का और या पार्टी के राजनीतिक पार्टियों में दोहरा रहा हूं, जिस राजनीतिक पार्टी के विचारधारा ही हिंदुत्व है, वो धर्म के आधार पर दूसरी पार्टियां राजनीति करती है, ऐसा उनका कहना गलत है। ये पहली बात। दूसरी बात, अभी जो जाति जनगणना के बारे में कही जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां पर जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही है। बिहार में हुई, बिहार राज्य में हुई, वहां पर बीजेपी और जेडीयू साथ में थी, वहां पर जाति गणना हुई, जातिगत आधार पर, मतलब जाति के आधार पर जनगणना हुई। बीजेपी के अन्य राज्यों में बीजेपी ने क्यों नहीं की? तभी बीजेपी के बहुत सारे राज्यों में उनकी सत्ता थी, उधर उन्होंने क्यों नहीं की जातिगत जनगणना? आज भी उनके बहुत सारे राज्यों में उनकी सत्ता है, क्यों नहीं कर रहे वहां पर? आज देश में क्यों नहीं कर रहे? आप एक बात देखिए, इससे बहुत सोचने जैसी बात है। मेरे ख्याल से बिहार में जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद आरक्षण दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उस आरक्षण का? इसका मतलब क्या है? राज्यों को अधिकार है, राज्य कर सकती है जातिगत जनगणना, लेकिन जिसके लिए करना चाहती है कि जितनी जिसकी संख्या उतनी संख्या में उनको आरक्षण मिले, इसके लिए वो करना चाहती है। लेकिन क्या 50% के ऊपर, 50% के ऊपर आरक्षण दे सकते? उसके लिए कहाँ जाना होता है? केंद्र सरकार के पास जाना होता है, क्योंकि वो अगर संविधान में संशोधन करे तो ये मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? बीजेपी केंद्र में है ना, क्यों नहीं संविधान संशोधन कर रही है और इसका रास्ता खुला कर रही है? बहुत सारी चीजें। देखिए, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि दो चीजें हैं। बीजेपी ये मानती है कि अगर जातिगत जनगणना हो तो जाति जाति में विभाजन होगा, वो देश के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो तो सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उसकी मदद होगी। ये दो अलग अलग राय है। तो अभी बीजेपी ने क्लैरिटी देनी चाहिए कि उनको जातिगत जनगणना करनी है या नहीं करनी है, या सिर्फ राजनीति करनी है। अभी अगर हम चक्रव्यूह की बात करें, जो राहुल गांधी जी कल संसद में बोल रहे थे, ये चक्रव्यूह नहीं है। चक्रव्यूह है, मैं बोलता हूँ कैसे है। बीजेपी जब इलेक्शन को सामने जाती है तब वो वादे करती है देश के युवाओं से, देश के गरीबों से, देश के किसानों से। क्या वादे किए थे उन्होंने? पहला वादा किया था युवाओं को 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, युवा ने उनको वोट डाले। फिर उन्होंने क्या किया? आज बोल रहे कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देंगे। इसका मतलब है 20 लाख लोगों को, युवाओं को सालाना इंटर्नशिप, 20 करोड़ लोगों को रोजगार से 20 लाख लोगों को इंटर्नशिप पर आए, और अभी आगे आपको रोजगार और नौकरी वो आपका आप देखे। तो क्या ये चक्रव्यूह नहीं है? आप बताते कुछ है, उनको अंदर लेते, अपने को वोट दिलाने को मजबूर करते, फिर उनको अलग बताते। किसानों को उन्होंने क्या कहा था? उनको MSP दी जाएगी, उनकी आय दुगना करेंगे, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं? ये लो 6,000 रुपया साल का और चुप बैठो, हम आपको MSP की कानूनी गारंटी नहीं देंगे, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, उल्टा अन्यायकारक 3 कानून लाएंगे, और फिर उसके लिए किसान सालों से वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के लिए बैठा है। पर तीसरी बात, अभी गरीबों की ये बात करते हैं, गरीबों को इन्होंने क्या कहा था? हम गरीबी दूर करेंगे। आज भी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा संसद में कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। आप मुझे बताइए, पिछले 5 साल वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे थे, उसके बाद आज फिर उन्होंने अनाउंस किया कि वापस 5 साल वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देंगे। अगर 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर लाया है तो आपका 80 लेकिन करोड़ महेश लोगों का सवाल ये है ना, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस सरकार की तरफ से ये वादे किए जा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम किसानों को उनका हक दिलाएंगे, MSP जो की लीगल गारंटी वो हम करवाएंगे, हम ये वादा वो उनकी तरफ से हो रहा है ना, जो जब खुद सरकार में थे, जब खुद सत्ता उनके हाथ में थी, तब वो ये वादे पूरे नहीं कर पाए थे। पूजा जी, यस, आपने ये सभी को पूछा, मुझे भी ये सवाल पूछना आपका जायज है, लेकिन ये मेरा लास्ट आखिरी जो पॉइंट है वो मैं कंप्लीट करूं। मुझे ये कहना है कि अगर इन्होंने गरीबी हटाई है 25 करोड़, तो 80 करोड़ जनता को, 80 करोड़ गरीबों को ये मुफ्त का जो राशन दे रहे, उसकी संख्या 55 करोड़ पे आनी चाहिए थे ना, क्योंकि उन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया।
लेकिन अभी भी वो 80 करोड़ गरीबों को, देखिए जिनको मुफ्त का राशन देते क्या वो गरीब है कि अमीर है? जवाब दीजिए। और दूसरी बात, बहुत वैलिड यहाँ पर पॉइंट उठा रहे हैं आप, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है आप ये दावा कर रहे हैं, तो वो 80 करोड़ की संख्या भी तो फिर कम होनी चाहिए धनंजय जी, गरीबी को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारी युवाओं को लेकर, ये तो तमाम मुद्दे है ही ना, जाति जनगणना पर आप घेरिए। सब सुन लिया पूजा जी, सब सुन लिया, समय की कम पाबंदी होती ना आप। जिस पार्टी का निर्माण ही हुआ था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसने कांग्रेस को राष्ट्रवादी माना ही नहीं, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा धनंजय जी, मैं पूरा डिटेल जवाब दे रहा हूँ। ना 20 सेकंड में, जिसका पहला संविधान में था कि कोई विदेशी मूल का व्यक्ति इस देश का कोई पद पर जाएगा तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उस पार्टी भी कुछ बात कह रही है, उनकी बात का भी जवाब दे देते। आप 19 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है, ये डाटा है, और आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को, 4.8 करोड़ लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा, ये भी उसमें। जिस धर्म को राहुल गांधी की माता जी फॉलो करते हैं, उसके प्रणेता जीसस ने कहा है कि हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन फैक्ट, आप आधा सत्य जो है वो झूठ से भी ज्यादा खराब बोल रहे हैं, आप पूरी बात बता नहीं रहे। 4.8 करोड़ लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा, इसकी भी रूपरेखा खींची गई। और जो आप महंगाई की बात हमारे नेता वो पैनलिस्ट कह रहे थे, 36 रुपए पेट्रोल जब डीजल छोड़ के गए थे वाजपेयी जी, 76 रुपए आपने किया, 220% बढ़ाया, और अब शतक पार हो गया, ये भी तस्वीर हमने देखी सारे का जी। बोलिए जल्दी से, 10 से 20 सेकंड।